स्वरा भास्कर की शादी हो चुकी है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स किया करती थी और उनकी शादी में भी जिस तरह के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लोग आए थे, लोगों ने कहा कि ये इसकी रिसेप्शन पार्टी चल रही है या महागठबंधन की तैयारी चल रही है साल 2024 की। तो स्वरा भास्कर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की गई, ये कहा गया कि फ्रिज वगैरह भी दहेज में पिता ने दिया होगा, बहुत सारी ट्रोलिंग की गई। अब जो है तापसी पन्नू जो है ये मीडिया में बनी हुई है, इसलिए बनी हुई है क्योंकि तापसी पन्नू तो बनी रहती है, इनका काम ही है मीडिया में बने रहना, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल करते रहना। अब इन्होंने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी है जिसमें डीप नेक इनका उस तरह की ड्रेस है जो आप लोग समझते होंगे, तो रिवीलिंग ड्रेस है, अश्लीलता से भरी ड्रेस है, जहां पर इनके आप समझ लीजिए क्या दिख रहे हैं, आप समझ लीजिए, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। तो उस ड्रेस के बीच में इन्होंने माँ लक्ष्मी की एक नेकलेस पहनी हुई है और इसी को लेकर लोगों ने तापसी पन्नू को जमकर सुनाना शुरू कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाने की आप में हिम्मत नहीं है, आप हिंदू धर्म का जिस तरह से मजाक उड़ा रही हो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, आपको क्या मिलता है इस तरह से बार बार हिंदू धर्म पर हमले करके। किसी ने लिखा कि ऐसी वल्गर फोटो में माँ लक्ष्मी की नेकलेस पहनी हुई है, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। देखिए तापसी पन्नू जो है शाहरुख खान की फिल्म डंकी में नजर आने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि डंकी की प्रमोशन अभी से शुरू हो गई है। पहले पठान को लेकर जिस तरह से बेशर्म रंग वाला मामला उछला था, उसी तरह से जैसे जैसे डंकी नजदीक आते जाएगी वैसे वैसे कुछ न कुछ चीजें तो चलती रहेगी, क्योंकि फिल्म को लाइमलाइट में लाना है तो इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी एक्टर्स एक्ट्रेस फिल्म मेकर्स करते हैं।